लक्ष्य तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर, बिकॉज बहुत सारे बच्चे मैसेज करेंगे आपको. जस्ट टेल योर कॉन्टेक्ट नंबर. 7011. यस, तो सब लोग मैसेज करना, बोलना बीपी सर के इंटरव्यू में बोला था लक्ष्य ने कि उनके जवाब देगा, उनको गाइड करेगा. बिकॉज इनका अब ये लाइक क्या बोलते हैं, ड्यूटी होती है कि इनके जूनियर को गाइड करे, और जिस जिसको गाइडेंस चाहिए ये अपनी गाइड करते रहे. आई वॉज वेरी इनसेन अबाउट डीटी बिकॉज आई नीड कि आई कुड स्कोर इन डीटी. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. Yes people, good morning, good afternoon, good evening to all of you. कैसे सब लोग? Hope so आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे. मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं. तो जैसा कि CA final intermediate के result आए, बहुत सारे बच्चे clear हुए, और उसमें से आज मैं आपसे को मिलवाने वाला हूं, that is all India rank 4, single digit rank, लक्ष्य अग्रवाल से. और लक्ष्य है वो दिल्ली से है, और जिन्होंने ये जो May 2023 का एग्जाम था उसमें ऑल इंडिया रैंक 4 है वो हासिल की है. बहुत बड़ी बात होती है जब ऑल इंडिया रैंक 4 आती है. तो लक्ष्य पहली चीज तो बहुत बहुत बधाई हो, और दूसरी चीज मुझे ये बताओ कि जब रिजल्ट आया तो कैसे पता चला, क्या था रिएक्शन, कैसे रहे लास्ट के दो दिन, वो बताओ थोड़ा. थैंक्स अ लॉट सर, एंड इट रियली फील्स लाइक कि आई एम लिविंग अ ड्रीम. अब भी कभी कभी रात को सोते टाइम लगता है कि आई एम द रैंक 4, एंड इट रियली फील्स लाइक अ ड्रीम. एंड लास्ट के 3 डेज हैव बीन मतलब एक्साइटिंगली एग्जॉस्टिंग, बिकॉज राइट exciting because जो कुछ हो रहा है, इतने calls आ रहे हैं, pan India messages आ रहे हैं, I never imagined, to be very honest with you. मतलब जो होता है कि सपना देखते हैं कि ऐसा कभी होगा तो बहुत अच्छा रहेगा. तो right, it's really that feeling. Talking about कि कैसे पता चला, तो वो अपने आप में एक अलग story है. तो I was पहले लग रहा था कि शायद rank आ सकता है, मतलब हुआ तो rank आ सकता है, but you never know with ICI, right? तो लास्ट के 2-3 दिन पहले मुझे लगा था 15 तारीख के आसपास रिजल्ट आता है, तो तब तक चिल करते हैं, 2-3 दिन पहले अपन फेज में आ जाएंगे रिजल्ट वाले. बट पता चला कि 5 को ही रिजल्ट आ रहा है, तो आई वाज लाइक ओके आई नीड टू बकल अप. फिर 4 की रात तो नींद नहीं आई, थिंकिंग कि शायद ऑडिट में फेल हो जाऊंगा या शायद SCM में रह जाऊंगा. बट फिर जब नेक्स्ट डे हुआ तो आई वाज इन माय ऑफिस एंड माय बॉस सेड कि भाई रिजल्ट आ गया, देख ले एक बार. एंड मेरे पास रोल नंबर ही नहीं था अपना, मैंने सर्च किया, एडमिट कार्ड ही नहीं मिला. तो आई कॉल्ड माय फ्रेंड रजत जैन, तो उसके पास मेरा एडमिट कार्ड था, मैंने PDF निकलवाने के लिए दी थी. तो आई सेड कि तू रिजल्ट चेक मत करना, बस मुझे रोल नंबर बता दे, मैं खुद देखूंगा. बट ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी, तो उसने चेक कर लिया. चेक कर ली एंड कॉल्ड मी एंड सेड लक्ष्य, एंड बोल के 2 सेकंड का पॉज ले लिया. वो 2 सेकंड फेल्ट लाइक एटर्निटी. एंड मुझे लगा ऑडिट तो गया, नवंबर की तैयारी शुरू कर दो सर, ठीक है. एंड ही सेड रैंक 4 आया. ओ भाई सर, आई वेंट नंब, ठीक है. एक्सपेक्ट भी की थी रैंक, तो आई थॉट 45 से 50 के बीच में कुछ आ सकता है, जो मैंने अपना एक्सपेक्टेड स्कोर निकाला था. ही सेड रैंक 4 आया, एंड आई वाज लाइक कि मुझे मतलब इतने गंदे मजाक मत कर, प्लीज इतना बुरा मत कर, जस्ट टेल मी द रोल नंबर. मैंने स्क्रीनशॉट भेजा ग्रुप पे, तू चेक कर. तो हमारे एमसीएस का ग्रुप था, उसने उस पर भेजा हुआ था. आई चेक दैट एंड लगा कि एडिटेड तो नहीं लग रहा, रियल लग रहा है, एंड इतनी जल्दी एडिट भी नहीं हो पाएगा. तो आई सॉ द रिजल्ट, उस पर रैंक 4 लिखा हुआ आया था. मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ अपने पास भी, मैंने फोन पे चेक करा, उसमें रैंक 4 आया. फिर उन्होंने बॉस को दिया, उन्होंने चेक करा, उसमें भी रैंक 4 आया. देन आई वाज लाइक कि ओके दिस इज ट्रू. एंड देन आई कॉल्ड माय मॉम, कि 4th रैंक आया. तो फिर आई क्राइड पहले 2 मिनट तक, बिकॉज 4 नहीं सोचते आप, राइट? ट्रू. 4 तो सिंगल डिजिट रैंक तो सोचना ही आउट ऑफ द बॉक्स होता है, राइट? फिर पापा को कॉल किया, मेरे पापा को कॉल किया एंड आई सेड कि मेरा रैंक 4 है. आई सेड वो सब ठीक है, पास हो गया. तो माय फादर डज नॉट नो अबाउट ऑल दिस स्टफ, तो ही सेड कि पास हो गया. कहा कि देश में ना जितने बच्चे देते हैं उसमें 4th नंबर पे मैं आया हूँ. अरे अच्छा. फिर उनका सेकंड क्वेश्चन था कि पैकेज कितने का लगेगा. मारवाड़ी मारवाड़ी अग्रवाल जी, पैकेज कितने का लगेगा, सीधी सी बात है. पॉइंट पॉइंट मुद्दे की बात करो, पैकेज कितने का लगेगा. तो एंडलेस कॉल्स लाइक, फिर उस दिन रात को मैं फिर 4 बजे करीब सोया,
आपने वो कोट शेयर किया था ना कि दुख की रात नींद किसे आती है और सुख की रात हाँ दुख की, हाँ राइट 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 राइट, दुखों वाली रात नींद नहीं आती और सुखों वाली रात कौन ही सोता है करके, खुशी वाली रात कौन ही सोता है करके, ठीक है। तो सीए फाइनल में वो दुख वाली रात दिखाई है, लाइक देयर हैव बीन मोमेंट्स जब आई कॉल्ड माय राइट फ्रेंड एंड कि भाई नहीं हो रहा है, कि मॉक में भी नंबर नहीं आ रहे हैं, 14-15 घंटे सब पढ़ के देख लिया, बुक्स खत्म कर लिए, पर फिर भी क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहे हैं, बट या ऑल्स वेल एंड्स वेल एंड्स वेल। वेरी गुड। सो लक्ष्य, हाउ वाज योर आर्टिकलशिप? लाइक अभी भी आर्टिकलशिप चल रही है? हाँ सर, आई डिड माय आर्टिकलशिप फॉर मजाक स्टार्टिंग ऑफ इट। तो बाहर घूमने को मिलता है आर्टिकलशिप में, कहीं आउट स्टेशन ऑडिट वगैरह? मेरे अनफॉर्चुनेटली मतलब मैंने ऑडिट सिलेक्ट इसलिए किया था कि थोड़ा घूमने घूमने मिल जाएगा, मतलब इट वाज नॉट अ वेरी स्ट्रेटेजिक चॉइस, मतलब सीए वाज नॉट अ स्ट्रेटेजिक चॉइस इन इटसेल्फ, मतलब अच्छा, क्या बनना चाहते थे फिर? आई वांटेड टू बी नॉवेलिस्ट, मतलब मेरा लिटरेचर में और इंग्लिश वगैरह की तरफ काफी रुझान था, मतलब है अब भी है, बट पैसे भी कमाने पे तो ट्रू 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 ट्रू। लक्ष्य एक बात बताओ, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे तुम्हारी इंटरमीडिएट में कोई रैंक नहीं थी, बट ऑब्वियसली यू क्रैक बोथ द ग्रुप इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, फाइनल में सीधा रैंक है, तो बच्चों को क्या ऐसी चीजें फॉलो करनी चाहिए जो आप अपने थंब रूल बताना चाहोगे बच्चों को कि सर ये चीजें अगर आप ध्यान दे दो तो यू कैन क्रैक सीए इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इवन यू कैन स्कोर द रैंक ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल वुड बी कंसिस्टेंसी, नथिंग बीट्स कंसिस्टेंसी, ठीक है, मतलब आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट एट ऑल, मतलब जैसे कुछ रैंकर्स होते हैं जो आर्टिकल चिप के डे वन से कोचिंग्स वगैरह ले लेते हैं एंड देन दे स्टार्ट, मैं ऐसा नहीं था, मतलब मैंने आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, रेगुलर कॉलेज था, तो कॉलेज में तो पता ही है कौन ही पढ़ता है, आई केम फ्रॉम दैट, ठीक है, और फिर सीधा प्रोफेशनल लाइफ में यू आर सीइंग पीपल हु आर वर्किंग डैम हार्ड, ठीक है, यू डोंट नो हाउ टू वर्क हार्ड, मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक तरीके से निकल गया था, आई डिडंट रियली वर्क दैट हार्ड एज मच एज पीपल डू, तो आई यूज्ड टू थिंक कि सीए भी हो ही जाएगा यार, कौन सी बड़ी बात है, मतलब आई टुक इट वेरी लाइटली, इट्स अ बिग स्टुपिडिटी, आई रिकमेंड कि भाई डिफिकल्ट है, रिस्पेक्ट करो कोर्स की, तो फर्स्ट ईयर तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया था एंड सेकेंड ईयर का भी फर्स्ट हाफ ऐसे निकल गया, बट देयर आई सॉ कि भाई अब तो एक साल बाद पेपर आने वाले हैं, कोचिंग कंप्लीट, एक कोचिंग शुरू हुई थी, एक कोचिंग लेनी पड़ती है, तो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि भाई थोड़ा जल्दी स्टार्ट करो, अर्ली स्टार्ट इज ऑलवेज द बेटर थिंग एंड कंसिस्टेंट रहो, और जब तुम्हारी एग्जाम भी स्टार्ट हो जाए तो सब फालतू चीजें छोड़ दो, फालतू चीजें भी क्या होती हैं डिस्ट्रैक्शंस हमारी एज में, एंड जस्ट क्योंकि 6 महीने दे लो एंड फिर उसके बाद जो मिलना है करो, बेसिक सी बात है, एग्जैक्टली 6 महीना पढ़ लो, फिर जो आपकी मर्जी है वो करो, बिकॉज 6 महीने आप ऐसे जी लो जो कोई भी नहीं चाहता है कैसे जीना, हाँ बट बाकी वाली लाइफ आप ऐसी जियोगे जो कोई भी चाहता है वैसी लाइफ जीना करके, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली तो बहुत अच्छा लगता है, मैं बताऊं लक्ष्य, जब हम लोग रैंकर से वगैरह मिलते हैं या जो लोग जॉब करते हैं उनसे मिलते हैं, मैं आज ही बात बताता हूँ, आज मॉर्निंग में मेरे से जो लास्ट अटेम्प्ट नवंबर वाले थे उसमें से 4 लोग मिलने आए थे, मानसी ऑल इंडिया रैंक 3 थी, हर्ष है जो ऑल इंडिया रैंक 1 था, एक खेतान करके ऑल इंडिया रैंक 7 था, तो वो लोग मिलने आए, तो आज 6 महीने बाद मैंने उनको पूछा कि हाउ इज योर लाइफ इज गोइंग ऑन, तो एवरीवन इज सो हैप्पी अबाउट देयर लाइफ बिकॉज एवरीवन इज अर्निंग अप्रोक्स 20 लाख रुपीज अयर करके, ठीक है, 20 लाख के पैकेज में, और पैकेज से अलावा वो लोग काफी चीजें सीख रहे हैं, काफी चीजें सीख रहे हैं, काफी लोगों से वो मिल रहे हैं, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है करके, ठीक है। सो दैट इज ऑलवेज देयर। सो लाइक when you are a top ranker na, get to meet so many people and so many people are there to help you that you learn from their experience, like I am talking to you, पीछे कई सारे टीचर्स से बात हुई, people from NIRC, people from who are industry as well, because they entertain you, right? And they don't entertain people generally, that's a harsh reality, but yeah, you get exposed to a lot of opportunities and it's definitely worth it. वेरी गुड। तो आज अपना इंटरव्यू हो रहा है, ऐसा कभी सोचा था कि चलो यार अपन आपस में मिलके बात करेंगे करके, ठीक है। तो आई यूज हाँ थिंक कि जैसे
एक भैया थे सिद्धांत भंडारी करके, उनका एयर वन आया था या 2018 में। हाँ जी, तो उस टाइम तक मैंने सीए कोर्स ज्वाइन नहीं किया था। राइट, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा सीए कोर्स ज्वाइन कैसे था। I was in college and my father used to think that college to time pass hai, which certainly was true to a certain extent. So, right. और मुझे भी लगा यार college करने के बाद तो ऐसे सीधा job नहीं मिल पाएगी बहुत अच्छी सी, भाई 5-6 लाख का package लगेगा उसमें, क्या ही होता है आजकल। तो मेरे सारे के सारे friends जो school के थे वो सभी CA कर रहे थे somehow। तो my friend said कि CA में ना scope है अच्छा और तू कर ले, तू कर सकता है। But मेरे चाचा CA थे and उनके काफी attempts लग गए थे final। मुझे पता भी नहीं था रैंक कुछ होता भी है, तो दोस्तों बोला कि रैंक होता है, देख इस बार एक बंदे की रैंक वन आई है उसको देख कितना सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो मैंने यूट्यूब पे देखा भाई वो माला वाला पहना रहे हैं सिद्धांत भैया, सिद्धांत भैया वाला, राइट 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 राइट। तो आई वाज लाइक यार मतलब वो ना बचपना होता है, तो आई सोच रहा कि काश यार एक दिन ऐसा हमारे साथ भी हो कि हम भी सिंगल, मतलब वो तो बस एक उस टाइम पे पाइप ड्रीम लगता है, मतलब लगता था भाई कितना पढ़ते होंगे सिंगल डिजिट रैंकर्स हम तो उतना नहीं पढ़ सकते। बट वो इंटरव्यू मैंने काफी लूप पे देखा एंड इवन सीए फाइनल के दौरान भी लगा कि यार अब तो हिम्मत टूट रही है, बिकॉज़ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हिम्मत टूट जाती है एंड नहीं होता लाइक डन। अप्रैल में आता लगता है भाई हो गया खत्म, पेपर ले लो या पास हो फेल हो आई डोंट केयर। एंड बट देन आई यूज्ड टू सी दैट इंटरव्यू एंड आई यूज्ड टू थिंक कि व्हाई डिड आई स्टार्टेड, आई वांटेड टू गेट अ रैंक। Somehow it all came together in CA finals. Right. Great, great, great. जैसा आप बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि मेरा ऑडिट का पेपर इतना अच्छा नहीं गया था, या ऑडिट के पेपर में लग रहा था कि शायद यार फ्लंक हो गया तो इसी में होने वाला हूँ। So like how you manage the difficult paper in the examination? Because क्या होता है ना अगर difficult है तो पूरे इंडिया के लिए difficult है। So how you manage that paper? So मतलब मेरी preparation में अगर मैं एक चीज चेंज करना चाहूँ going back, that would be my 1.5-day strategy. Because मैं ना procrastinate करता रहा कि बना लेंगे यार डेढ़ दिन की strategy रहा, बना लेंगे 6 महीने की strategy बनाई है, डेढ़ दिन की बनाने में क्या time लगा है, but वो नहीं बन पाई एंड तक, ठीक है। तो मेरे डेढ़ दिन में बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाया एंड ऑडिट के अंदर हमें दो छुट्टियाँ मिली थी लाइक बोनस था, बट आई स्टिल could not finish the syllabus. मतलब मैं essays खत्म नहीं कर पाया था एंड if someone is aiming for a rank and he does not prepare essays, it's a nightmare. ठीक है, राइट। तो मेरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं पाया था लाइक उस दिन एग्जाम के से पिछले दिन शाम के 6 बज गए थे एंड मेरी 2 बुक्स पेंडिंग थी, मैंने स्टडी मैट करा था तो 2 मोटी मोटी बुक्स सामने पड़ी हुई थी एंड आई वाज लाइक सोना भी है। तो आई वेंट नम, देन माय मॉम सेड कि बस इतना पढ़ ले कि 40 आ जाए, फालतू दिमाग मत लगा, रैंक आएगी ठीक है, नहीं आएगी गले में बैठ जाइए। तो दैट कैलकुलेशन वेंट एंड मैंने फिर भी पुश करके अपने आप को 2 घंटा सोया उस दिन, रात को फिर 2 घंटा देकर पेपर देने गया, विच इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल एनीबडी। तो एंड देन आई सॉ द पेपर, जब पेपर से जाते टाइम मेरी मम्मी साथ में थी, आई क्राइड अ लॉट टू हर कि भाई नहीं होने वाला, तो नहीं होगा किसी भी हालत में, बट मॉम सेड कोई बात नहीं मेरे लिए पेपर दिया बस तू एक बार। मैंने पेपर देखा, मतलब मेरा शौक था कि पेपर देखते ही पहले 40 नंबर ढूंढूंगा, ठीक है। तो एंड समहाउ अल्टर पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था इस बार, छठे क्वेश्चन से देखा, छठे क्वेश्चन का पहला पार्ट नहीं आता, दूसरा नहीं आता, नहीं आता, बट हाँ पांचवा क्वेश्चन में आते था, अभी तक 5 ही हो गए, 5, 5, 10 ठीक है, 20 हो गए, आगे बढ़ो, फिर 5 हो गए, एग्जामिनर आधे नंबर देगा तो भी 10 हो गए, 15, ठीक है 30 नंबर बन गए, एमसीक्यू अंदर 10 नंबर बना लूंगा आराम से, 40 आ गए। अब आई वाज रिलैक्स्ड, तो माय एडवाइस वुड बी अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट आया या तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है तो सर्च फॉर दोस 40 मार्क्स, बाकी छोड़ दो, बाकी देखेंगे क्या होगा। आई कैन वाउच फॉर दिस, मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी ऑडिट की,
एंड आई स्टिल स्कोर 64. तो 64 वाज अ गुड स्कोर इन दैट पेपर. राइट. आई वुड से एंड सेम वाज विद डीटी. तो डीटी के लिए आई वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि सबने बोला था कि सब खत्म हो जाएगा, बट डीटी खत्म नहीं हुआ था, रिवाइज ही नहीं हुआ. तो मैंने डीटी अराउंड 5 बार रिवाइज किया था. ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने डीटी पे टाइम डिवोट किया था, क्योंकि डीटी लेंदी है, टफ भी वही है, और पेपर भी लंबा उसका आता है, तो सारे भी नया आता है, क्वेश्चन भी नए आते सब. हाँ, सब कुछ मतलब सारे एलिमेंट जो है ना टफनेस के, वो सारे एक में कंबाइन करती है लोगों. चेरी पिक कर टॉपिक्स की एनआर टैक्सेशन करना है, डीटी डबल डेफिनेटली करना है, तो एक वो है ट्रांसफर प्राइसिंग, MAT, AMT, SEZ, Business Trust, Investment Fund, Securitization Trust, fix marks है. तो एक वो आता था ना जो आपने एक ट्री चार्ट बनवाया था, I remember, एक रॉयल्टी क्या सा आता है, डिविडेंड वाला, इतनी बार बनाया ना, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैंने बाथरूम की दीवार पे भी वो बना दिया था. क्योंकि उसके अंदर गया तो गया पूरा क्वेश्चन, ठीक है, और मिल गया तो पूरे पास नंबर. तो आई वाज वेरी इनसेन अबाउट डीटी, बिकॉज़ आई नो कि आई कुड स्कोर इन डीटी, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट इफ यू नो द लॉ. तो आई डिड अराउंड आपकी बुक तो 5 बार करी थी, कॉम्पैक्ट 4 बार करी थी, तो आई वाज श्योर कि डीटी में तो अच्छा हो गई होगा. डीटी में तो पेपर ले आओ, और वो पेपर लेकर क्या है, और मेरा मेरा हिट विकेट. मतलब फर्स्ट क्वेश्चन वाज मैनेजेबल, अच्छा नहीं हुआ बट मैनेजेबल था. तो मैंने केस बट अदर क्वेश्चन वर न्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू वाज मैनेजेबल एंड क्वेश्चंस वर डिस्क्रिप्ट में इट वाज अ न्यू क्वेश्चंस. यस एग्जैक्टली. सो आई सॉ द पेपर एंड उसके अंदर ना पता नहीं समहाउ ऐसा पेज फ्लिप हुआ, तो केस लॉ वाला क्वेश्चन मिल गया. एंड आई हैड बीन हिस्टोरिकली गुड विद केस लॉज, मैंने जब केस आपकी बुक करी थी, मैंने अमेंडमेंट्स जो न्यू केस लॉज आते हैं वो करे थे, बट आई कुड नॉट रिवाइज देम ऑन 1.5 डे. सो स्टिल स्टिल आई वाज लाइक कि भाई इतना कवर कर, मतलब मैं टेनिस टैक्सेशन भी करके गया था, आप ये लगा दो. अच्छा, ठीक है, हां राइट. तो क्योंकि इकोला मेरा काफी सही हुआ था, मतलब सभी का सही हुआ था वो, तो आई वाज लाइक आईडीटी में संभाल लूंगा, बट डीटी संभाल गया तो अपना तो बस बढ़िया हो जाएगा, मॉलडीव्स का ट्रिप अच्छा बीतेगा. लाइक आई थॉट कि एग्जाम के बाद मॉलडीव्स जाऊंगा, तो गया मॉलडीव्स या नहीं. हाँ, I definitely went. तो किसके साथ? ये भी पूछ ले. No, अब 6 महीने तुम कमरे में बंद रह के पढ़ोगे तो कौन चलेगी साथ में? कोई नहीं आई साथ में. That's a story for another day. ठीक, कोई बात नहीं, हम स्कोप रखते हो उस स्टोरी के लिए, अगली बार बात करेंगे उसके ऊपर जब मिलेंगे तब बात करेंगे कौन आई थी मालदीव साथ में कभी, ठीक है. बट ये ऑडियंस को पता होना चाहिए कौन थी वो. चलो कोई बात नहीं. तो फिर आपने लाइक हाउ मच यू स्कोर इन डीटी? 70. तो 70 मार्क्स आया ना. इट्स वेरी गुड. क्रूअल थे ये लोग, लाइक इतना गुस्सा आया मुझे. एक लोअर डिडक्शन का कुछ होता है उसमें टीडीएस वाले टॉपिक में, एंड उसको टीडीएस से मिंगल कर रखा था, मतलब इनसैनिटी थी वो, कि इतना टफ कौन बनाता है भाई. Like, नहीं, डीटी में इंस्टीट्यूट अच्छा खेलती है, डीटी और ऑडिट दो ही पेपर है जहां इंस्टीट्यूट खेलती है थोड़ा. तो पेपर डिफिकल्ट, राइट? ऊपर से मेरा सामने वाला जो था वो एग्जाम से पहले मिला, कह रहा मैंने 4 अटेम्प्ट हो गए डीटी में, ठीक है. तो मैंने कहा यार 4 अटेम्प्ट वाला, फिर उसने पीछे मुड़ा एग्जाम देख करके, कह रहा ये डीटी का पेपर है. एंड आई वाज लाइक भाई मैं ऑलरेडी डरा हुआ हूं, तू और क्यों डरा रहा है. बट अगर पहले आप एक दो क्वेश्चन संभाल लेते हो ना, तो मोमेंटम बना लेते हो एंड देन डू इट. अगर डिफिकल्ट है तो वो इंडिया के सबके लिए डिफिकल्ट है, और अगर कोई चीज इजी है ना, इकोनॉमिक लॉ इजी था तो सबके लिए इजी था, ठीक है. कोई आके बाहर नहीं बोला कि डिफिकल्ट है. सो उसमें आप कैसा एक्सेल करते हो वो बड़ा जरूरी है सर. बट एक पॉइंट ये भी है ना कि इफ यू आर एमिंग फॉर अ रैंक, या मतलब आप कम्पीट करना चाह रहे हो, तो राइट जो सबके लिए अच्छा है उसमें तो आपको अच्छा करना ही है, तो सबके लिए बुरा तो उसमें भी अच्छा करना, उसमें आपको अच्छा करना है, सीधी सी बात है. और अगर वो 3 घंटे अपना माइंड अगर थोड़ा स्टेबल रखे ना, तो बहुत सारी चीजें याद आ जाती है, भले आपने लास्ट डेढ़ दिन में नहीं पढ़ा. केस लॉ हो सकता है आपको लास्ट डेढ़ दिन में नहीं पढ़े, बट पहले कभी ना कभी पढ़ा था,
तो जब आप अगर शांति से सोचेंगे तो आपको वो चीज याद आ जाएगी कि यार ये तो वो वाला केस लॉ है। बट मुझे याद भी आया था टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा केस लॉ वाला क्वेश्चन वेंट बस्ट, मतलब मेरे जो 70 आए हैं ये आई गेस एमसीक्यू की वजह से हैं, बिकॉज़ एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 आया होगा परहैप्स, आई डोंट नो वी कॉपीज आएंगे तो आई वुड नो, बट डीटी वाज गुड, तब उतना बुरा नहीं हुआ, जब मैंने बाहर आकर देखा कि यार तो बातम चल रहा है तब थोड़ा ठीक लगा कि ठीक राइट। बट डीटी लक्ष्य अभी हाई पेपर अवार्ड रहता है जिसमें अभी इस बार जो रहेगा दैट 80 to 85 के बीच में रहेगा, तो बहुत है 70 करके, ठीक है बिल्कुल कम नहीं है उसमें डीटी में 70। अच्छा मुझे ये बताओ लक्ष्य, अभी फ्यूचर का लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य तो कम्प्लीट हो गया, वॉट यू वॉन्ट टू बी इन फ्यूचर? फ्यूचर का लक्ष्य भी बस सोच रहा है कि कहाँ पार्टी करने जाना है, कौन से क्लब जाना है। जाओ जाओ दिल्ली में जितने भी क्लब है वहां पे जाओ पार्टी करो, महीना भर है वो पूरी पार्टी होनी चाहिए करके, ठीक है चार लोग बोले के बंदा को हुआ क्या है करके, ठीक है tell this to my mom. मॉम को मैं बोल दूंगा करके, ठीक है रिकॉर्डिंग में डालूंगा तो उसमें उनको सुना देना कि देखो मैम मम्मी सर ने भी बोला है कि पार्टी करने जाओ करके, ठीक है थोड़े दिन पार्टी करो। शी इज लाइक चार दिन हो गए तेरा नशा उतरा नहीं अभी तक, कितनी पार्टी करेगा। I've been legit coming at home at around 3 AM, 4 AM daily. Right. तो लक्ष्य क्या करना है अभी? चलो पार्टी के बाद में। Sir, life में क्या करना है? I think I'd go into management consulting or perhaps an MBA. मतलब मेरा प्लान यही था कि अगर रैंक नहीं आई या उतना अच्छा नहीं हुआ तो I'd get into MBA because the fields that chartered accountancy offers doesn't really excite me, the audit or tax, so I don't really like it, to be honest. Right. So, yeah. That's very nice. मैनेजमेंट कंसल्टिंग में आजकल बहुत सारे लोग प्रेफर कर रहे हैं जो एटलीस्ट रैंकर है, तो रैंकर में तो काफी लोग ये ट्राई करते हैं कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग में उनको मिल जाए। अच्छा अभी लक्ष्य, ये जितने भी लोग आपको देख रहे हैं ये आके एग्जाम देने वाले हैं, तो आप उनको क्या कुछ चीजें गाइड करना चाहोगे? जैसा आपने पहले भी बताया कि सोशल मीडिया से दूर रहो, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो करके, ठीक है उनको आप विश करें कि भाई आगे जाके वो सक्सीड हो, और उसके साथ साथ में लाइक कभी भी अगर जो ये ऑडियंस देख रही है उनको कभी भी कुछ भी डाउट है तो वो लक्ष्य से पूछ सकते हैं। लक्ष्य अपना पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पे शेयर करेंगे क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 का नंबर तो ऑलरेडी आ जाता है मार्केट में, ठीक है नंबर 4 का नंबर है वो नहीं मिलता है, तो लक्ष्य अपना नंबर भी यहाँ पे बताएंगे तो आप नोट डाउन कर लेना, कभी भी कुछ भी डाउट हो तो लक्ष्य से जरूर कॉल पे बात कर सकते हो। या लक्ष्य मतलब आई डोंट थिंक दैट जैसे यूजुअल रैंकर जो है, कल्पेश से बात हो रही थी मेरी, तो रैंक जो है तो ही वाज अ वेरी स्टूडियस पर्सन फ्रॉम द बिगिनिंग, आई एम नॉट लाइक दैट, तो आई कैन रिलेट। हम पार्टी वाले लोग हैं, हम दोनों पार्टी के टाइम पे पार्टी और इसके टाइम पे मतलब पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, आई लाइक दैट टाइप ऑफ पीपल मोर, कि भाई दोनों जगह अपनी अपनी लाइफ बैलेंस होनी चाहिए। तो आई वाज लाइक मतलब आई वाज नेवर सीरियस, आई स्टिल आई एम नॉट सीरियस अबाउट लाइफ, मुझे करना क्या लाइफ में, मतलब मेरे सीनियर्स ने कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग कुछ होता है और बढ़िया चीज होती है तो ये कर सकता है, और मुझे काफी एक्साइटिंग लगा इसलिए मैंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग बोल दिया। तो मतलब मैंने बहुत ज्यादा चॉकआउट नहीं किया, जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपना पूरा करियर पाथ चॉकआउट कर लेते हैं एकदम ऑर्डरली फैशन में, तो आई कैन रिलेट टू द ऑडियंस कि क्या होता है। लाइक जैसे मैंने बोला कि मैं पहले 2 साल तो मैं लगी हाई पे था अपने मजे कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि पहली बात तो कभी भी अपने ऊपर ये मत सोचना कि तुम नहीं कर सकते हो। आई नो कि मैं बोल सकता हूँ अभी, बट आई हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, आई हैव बीन देयर, और नहीं लगता था कि रैंक आएगी। जैसे मैंने कहा कि हम भी सिद्धांत भंडारी की वीडियो देखते थे, दोस्तों हम भी एक दिन इंटरव्यू देंगे बीबी सर को, एंड दैट डे हैज कम ट्रू, तो ड्रीम्स डू कम ट्रू पहली बार। एक्जेक्टली ट्रू, तो नेवर एवर थिंक कि ड्रीम्स वोंट कम ट्रू, तो सपने मत, मतलब ऐसा होता है ना बोलते कि औकात में सपने देखो, भाई औकात किसने डिफाइन करी है? ठीक है सीधी सी बात है ना, आज मैंने सोचा कि मेरी औकात रैंक 4 की होगी, अब मैंने सोच लिया तो मैंने वो अचीव कर लिया।
ठीक है, अगर आप सोचोगे ऐसा कि नहीं होगा तो नहीं होगा, तो वन थिंग वुड बी दैट, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से कोई भी गोल सोचो बट बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब, रियलिस्टिक का मतलब ये नहीं है कि तुम ये सोचो कि मेरी अभी तक रैंक नहीं आई या अभी तक अटेम्प्ट लगता है मेरे तो आगे भी लगते रहेंगे। बी रियलिस्टिक का मतलब ये है कि तुमने ड्रीम कर लिया कि तुम्हारी रैंक तुम्हें रैंक लानी है, तो रैंकर्स की तरह बिहेव करो। यू कांट गो लाइक कि मुझे रैंक लानी है बट तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो। आई लेजिट डिड नॉट वॉच माई इंस्टाग्राम फॉर द होल 6 months जर्नी ऑफ सी ए फाइनल्स, बट अब मेरा इंस्टाग्राम अराउंड 9 घंटे का स्क्रीन टाइम है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि कर लेना यार बाद में, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, मैं खुद संत आदमी नहीं हूँ, तुम सब कर लेना, सब चीज़ का टाइम मिलेगा, घर वाले भी सपोर्ट करेंगे फिर तो, ठीक है। मतलब मैं 4 बजे क्लब से आ रहा हूँ तो मेरे घर वाले अंदर घुसने दे रहे हैं, अब तब नहीं घुसने देते हैं, एंड सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर लेगी फिर। एंड तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि सोसाइटी तो बाहर में जाए, आजकल ऐसा ट्रेंड है कि YOLO and हम हमें परवाह नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता है। You have to achieve success and then उसके बाद जो मन में कर, like I remember you said something कि एक बार CA कर लो फिर चाहे गिटार बजा लेना। हाँ, सीधी सी बात है, because you will have the backup plan कि कल उठ के वो नहीं चला तो तुम CA तो हो, कहीं भी काम करोगे कमाते लोगे। वही तो, have respect for this course। दूसरी बात, the पहली बात थी कि आप consistent रहे हैं, दूसरा है, दूसरी बात have respect for this course। तीसरी बात है कि आप अच्छी स्ट्रैटेजी चॉक आउट करें। लाइक आई हैव सीन पीपल कि वो स्ट्रैटेजिकली ही नहीं चलते। लाइक जब मैं मेरा हो गया था कि अब मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब मुश्किल से 1 साल बचा है एंड मेरी कोचिंग भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी एग्जाम लीव से पहले तक, लाइक 3-4 सब्जेक्ट्स रह गए थे। सो कि मेरी कोचिंग उतना स्ट्रैटेजिक नहीं थी, पर मैंने जब देखा कि अब मेरे पास कोचिंग का टाइम नहीं बचा तो मैंने आई डिच द कोचिंग, मैंने क्लासेस खरीद ली थी बट देखी नहीं थी। I was like कि अब अगर मैं कोचिंग देखने बैठ गया तो मेरा कोर्स ही खत्म नहीं हो पाएगा। So you have to be strategic in your plan, because I've seen people जो बस कर रहे हैं कि टीचर ने बोल दिया हमने कर लिया। कुछ कुछ लोग तो मतलब लास्ट डे तक सिर्फ वीडियो ही देख रहे करके, ठीक है, और वो वीडियो एग्जाम में थोड़ी चलाना है, एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा। I've seen people, you won't believe, on the exam center itself, they're watching videos. अभी टीचर बोल रहा है तुम्हें लग रहा है तुम्हें आता है नहीं, बट शुभम केसवानी सर सेड दिस कि मैं हमारा काम है वीडियो बनाना, राइट। सीधी सी बात है, हम भी भाई, मैं भी रिवीजन लेक्चर देता हूं, बट रिवीजन लेक्चर इज लाइक कि जब आप पहली बार सुन रहे हो तब आप उससे सुन के अल्टीमेटली आपको बुक पे शिफ्ट होना है, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि आपने एक बार बता दिया तो कॉन्सेप्ट क्रैक करने में आसानी हो जाती है फिर। यस एग्जैक्टली, मतलब इस तरह ऐसा होता है कि क्लास रिवाइज हो जाती है, याद आ जाता है कुछ पढ़ाया गया था, but you can't go like that. So the revision videos, so I didn't really watch except for audit, क्योंकि audit तो मतलब मैं dinner करते time audit सुन लेता था, तो भजन सुनकर रात के time तो वैसे सुन लेता था, that really helped. नहीं ये जरूरी है, मतलब पहली बार दूसरी बार आप जब रिवाइज कर रहे हो तो यू कैन लिसन द रिविजन लेक्चर एंड ऑल, बट ऑन द लास्ट डे एग्जाम डे या एग्जाम से 2 दिन पहले, बिकॉज आपका प्लान आपके पास प्रॉपर होना चाहिए कि वो आपको 1.5 दिन में कैसे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, आपका वीक एरिया कौन सा, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। मेरे को पता नहीं रहेगा, मैं अगर लास्ट 1.5 दिन में अगर मैराथन लूंगा तो मुझे थोड़ी पता है कि भाई लक्ष्य का वीक एरिया कौन सा है या हर्ष का वीक एरिया, मुझे नहीं पता ना वो चीज, वो तुमको प्लान करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, दे डोंट नो योर स्ट्रेंथ्स, मतलब सो मतलब मेरा 1.5 दिन का प्लान नहीं था, तुम भाई ये नहीं बोल सकता, बट लोगों को बनाना चाहिए प्लान। Yes. ठीक है, और प्लानिंग की इतनी वीडियोस है, स्ट्रेटजी वीडियोस इतनी सारी हैं, तो यू शुड रियली चेक आउट दैट। एंड वन मोर थिंग कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, मतलब आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कितनी स्ट्रेटजी वीडियोस देखी, लाइक सिद्धांत भंडारी भैया की, देवेश हरप्लानी की, शुभम मल्होत्रा, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पीपल, एंड अपने गोल के हिसाब से लोगों को पिक करो। लाइक यू कैंट रियली गो टू समवन जिसके 4-5 अटेम्प्ट्स लगे हुए हैं, वो पढ़ रहा है और मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो उसकी आ जाएगी, मेरी नहीं आएगी। वो जो डर होता है ना, वो डर होना बहुत जरूरी है लाइफ में। I knew that अगर मेरी रैंक नहीं आई तो मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी,
मुझे मैनेजमेंट कंसल्टिंग नहीं आएगा मेरे शॉर्टलिस्ट, या मुझे वो लेवल ऑफ स्टेटस जो लाइफ में चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो मुझे डर होता है ना, वो डर बहुत ही अच्छी चीज होता है। तो आई रिमेम्बर कई बार तो रात को नींद भी नहीं आती थी यार, क्या होगा करियर में, बिकॉज एग्जैक्टली बिकॉज एक थोड़ा सा क्रूअल ट्रूथ है कि सीएस के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है वहां पर। ठीक है, मतलब आई मे बी बायस्ड ऑन दिस, बट दैट्स द हार्श रियलिटी, राइट? नहीं, बट इसमें लक्ष्य मैं इससे थोड़ा डिफर करूंगा कि लाइक मैंने नो डाउट सीए बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, लाइक इफ यू आर अ सीए ना तो नॉर्मली यू विल गेट द गुड जॉब। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपको 25-30-50 लाख का पैकेज मिलेगा, बट एटलीस्ट 8-10 लाख का हर किसी को मिलता है, भले आता कुछ है या नहीं आता है करके। ठीक है, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस कोर्स। बट ऑब्वियसली इफ यू वॉन्ट टू like get at good position at starting only करके, ठीक है, तो then you have to work hard and you have to score the rank, good marks and all. Because I have been like ki, my parents, I don't really come from money, ठीक है, I'm very middle class, तो मतलब but मेरे सपने बहुत बड़े थे बचपन से, seriously, ठीक है, मतलब my father used to say भाई अपने चादर में रख के पैर के साथ, and I was like कि पैर की पसंद है चादर बड़ी कर लेता है ना, तो आई यूज टू थिंक कि भाई इतना वेट नहीं पाएगा मुझसे कि मैं इसे लैडर चढ़ूं 8-10-15-20-25, पर आई समहाउ यूज टू थिंक कि अगर मैं मेहनत नहीं, हो सकता मेहनत करने के बाद ना रैंक आए कोई बात चलेगा, एटलीस्ट मुझे ग्रेजुएट तो नहीं हुआ ना कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। एग्जैक्टली आपको अपना बेस्ट देना है, मैं तो ये बोलूंगा आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है, क्या आएगी रैंक, कैसे आएगी, कब होंगे क्लियर, बट जस्ट गिव योर बेस्ट। आप अपने आप से बेईमानी नहीं कर सकते, आप अपने आप के साथ में ईमानदार रहे, आप अपने आप को बोल सके कि नहीं यार मेरे से जितना होता था मैंने कर लिया, वो होना चाहिए। एग्जैक्टली एंड व्हेन यू इफ यू मतलब मेरा ऐसा बिलीफ है, या तो कह लो कि अब मैं बोल रहा हूँ बट मेरा जेन्युइन बिलीफ है कि अगर आपका दिल सच्चा है, आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है, आपने किसी का बुरा नहीं किया, तो थिंग्स हैपन, मैजिक डू हैपन, थिंग्स हैपन। एग्जैक्टली 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 लक्ष्य तुम्हारा कांटेक्ट नंबर, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे मैसेज करेंगे आपको, जस्ट टेल योर कांटेक्ट नंबर 7011-57-05-66। यस, तो सब लोग मैसेज करना, बोलना बीपी सर के इंटरव्यू में बोला था लक्ष्य ने कि उनके जवाब देगा, उनको गाइड करेगा, बिकॉज इनका अब ये लाइक क्या बोलते हैं ड्यूटी होती है कि इनके जूनियर को गाइड करे और जिस जिसको गाइडेंस चाहिए ये अपनी गाइड करते रहे। लक्ष्य तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जल्दी ही अपन मिलेंगे, मोस्टली हम मुंबई में मिलेंगे, तो मुंबई दिल्ली जहां पे भी हुआ हम मिलेंगे और मिलके हम लोग पार्टी करने वाले हैं। सो थैंक्स अलॉट इतना टाइम दिया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स अलॉट सर, डेफिनेटली।